भैया सारे आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। मैं पीछे पता क्यों रह गया हूँ? क्योंकि भैया मेरा गोप्रो हो गया था हैंग। और यार अब इसको हम दोबारा से चलाते हैं थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए। चल भाई चल भाई चल, इसी रोड है, बिल्कुल खड़ी रोड है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी सही जगह है, बड़ी सही जगह है। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, आपको भी आएगा एंड हमें भी आएगा। वैसे ये देखो, ये वाली जो रोड है ना, इस रोड के ऊपर मैं ना कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये फैमिली वाली रोड है। नहीं भाई, फैमिली फैमिली को मत लेकर आना, और पूरे के पूरे अपने राइडिंग गियर्स पहन कर आना। मैंने एक गलती करी हुई है कि ग्लव्स मेरे बैग में पड़े हुए हैं, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मुझे ग्लव्स पहनने हैं। तो मैं अभी यहाँ पे ना बाइक रोक के सबसे पहले ग्लव्स पहनूंगा भाई, जो मर्जी हो जाए। बाई चांस गिर गिर आ गया तो मतलब नुकसान हो जाएगा, है ना जी। आ गए फाजी, हम भी आ गए। आ गए फाजी, हम भी आ गए। हेलो जी, आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ भाजी बिल्कुल हो गई है, ज़बरदस्त वाली भाजी, ज़बरदस्त वाली। हाँ जी हाँ जी भाजी, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा वाला। फटाफट मैं ग्लव्स पहनता हूँ और एक चीज़ आपके साथ फटाफट शेयर करता हूँ। आज एक गलती हो गई है, पहले एक्चुअली में हमने जाना था शिखर फॉल, बट शिखर फॉल नहीं जा रहे भैया, ये कोई नई जगह लेके जा रहे हैं। हिमालयन ट्रैक करके बोलते हैं इसको, कुछ हिमालयन ट्रैक, हिमालयन फॉल, कुछ ऐसे करके बोलते हैं। एक ना बड़ी मज़ेदार वाली बात आपके साथ शेयर करूं कि हमारे साथ ना अभी तो चार लोकल लड़के जा रहे हैं ना, वो चारों के चारों लोकल लड़के भी इस जगह पे इस बाइक वाले रास्ते, इस रोड वाले रास्ते से नहीं गए हुए। चारों के चारों लड़के इस रोड वाले रास्ते से पहली बार जा रहे हैं, और एक लड़का जो है वैसे वो ट्रैक करके गया हुआ है, बाकी के तीन लड़के तो वो भी नहीं गए हैं। कह रहे हैं ट्रैकिंग ट्रुकिंग कौन करे यार, जो यहाँ के लोकल हैं, और हम बाहर से आके इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका प्यार चाहिए। और आप हमें प्यार कैसे दोगे? वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। तो ये ज़रूरी है, ठीक है जी, मैंडेटरी यार। इस वीडियो को तो बनता है यार, देखो इतनी दूर आए हैं यार, इतना रिस्क लेके यार। अभी आगे देखो बड़ा कुछ दिखने वाला है अभी हमारे को। तो भाई साहब कुछ जगहें तो यार ऐसी आती है ना यार, कि जहाँ पे ना यार टायर पीछे वाला कभी स्लिप कर रहा होता है, कभी आगे वाला स्लिप कर रहा होता है। एंड मेरे को वैसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो है, बट तब मैं वीडियोस नहीं बनाता था, बट अब काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस छुट्टी हुई थी। और इस साल तो वैसे भी हमने ऐसी वाली ना बाइकें वाइकें नहीं चलाई हैं यार, तो यार अब तो ये सब चीज़ें को हैंडल करना थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि ना क्योंकि पत्थर से ना टायर कभी कभी ना एक जगह से ना दूसरी जगह उछल के ना स्लिप होता है, ऐसा होता है कभी कभी। बाकी यार ये शुक्र है कि मेरी बाइक थोड़ी सी हैवी है, सो ये ना ज़मीन पे, इस सड़क पे जम के चलती है। अगर यही KTM KTM होती ना तो भैया वो तो कैसे उछलती। बाकी देखो मेरे को भी KTM का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। अपन को मज़ा आ रहा है, अपन को मज़ा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं ना इस वीडियो को कितना लंबा बनाऊं, क्योंकि यार मैं पूरे रास्ते को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ बातें करना चाहता हूं। तो मैं ना वीडियो को ना लंबा नहीं कराना चाहता, मैं वीडियो को इंटरेस्टेड बनाना चाहता हूं कि यार ये सारी चीज़ें देखकर आपको मज़ा आए। स्केरी रास्ते से हम लोग कहाँ कहाँ होकर आए हैं, देख रहे हो, सामने चेक कर रहे हो। सब लोग ना, सारे राइडर्स बड़े आराम आराम से बाइक चला रहे हैं, क्योंकि सबको पता है भैया जिसने थोड़ा सा भगाई ना वो वहीं गिरेगा। बट कोई नहीं, चलो आप थोड़े से सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, मैं दो मिनट के लिए चुप कर जाता हूँ, मैं बहुत बोल लिया मैंने। हाय नी हाय, अरे वाह अरे वाह, ये देखो साइड साइड से ना नदी निकल रही है, और नदी बड़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ से भी पानी आ रहा है। ओए होए, पहाड़ियों में से पानी निकलता हुआ, भैया यहाँ तो स्टोरी बनाना बनता है। अरे पर पहले बाइक तो संभाले लड़के तू। अरे देखो हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए। हाय नी देखो भाई लोग सारे नीचे पहुँच गए नहाने के लिए। आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ, पता नहीं है मेरी आवाज इसके अंदर रिकॉर्ड हो भी की हो। माइक गिर गया हमारा, देखो ये देखो हवा इतनी तेज चल रही है कि कैमरे के ऊपर से माइक उटक के बाहर आ गया। इसको पहले जरा मैं कस लूँ एक बारी, फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार हवा इतनी तेज चल रही है, मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरी वॉइस इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर पीछे पानी का इतना ज़्यादा वाला शोर है। कोशिश करूँगा थोड़ा ऊंचा बोलने की, ताकि यार आप लोगों तक आवाज़ प्रॉपर क्लियर तरीके से पहुँच सके, अदरवाइज हम सिनेमैटिक्स तो यहाँ के लेंगे ही लेंगे, क्योंकि जगह एक नंबर है, एक नंबर। मज़ा आ गया, वही है मज़ा आ गया। बंदा जब घर से निकलता है ना, और अगर ऐसे नज़ारे नहीं दिखते ना, तो भैया मतलब ठीक है, घर से निकलता है, ट्रैवलिंग का एक अपना मज़ा होता है,
बट जब ऐसे नज़ारे दिख जाते हैं ना तो कहते हैं ना ज़िंदगी में रंग डाल दो ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी, तो ट्रैवलिंग अपनी और ज़्यादा वाली रंगीन हो जाती है। और यही मज़ा है भाई, यही मज़ा है बाबा जी की कृपा से ना मेरे को, मतलब बहुत खुशी है कि इस जगह को, इस जगह की बहुत ही कम लोगों ने या ना के बराबर रिकॉर्डिंग करी हुई है जहाँ की रिकॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं। वैसे मैं भी कर रहा हूँ और वहाँ पे भाई लोग भी कर रहे हैं, ये सारे के सारे भैया यूट्यूबर हैं, तो मतलब इन सबके चैनल पे ये वाली वीडियोस आने वाली है। अभी मैं जाके एक एक करके आपको सबके साथ मिलवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और अब इन्जॉय करो वेदर को और नेचर को, मतलब आप वेदर को तो नहीं कर पाओगे, वेदर को तो मैं ही कर पाऊँगा, बट आप इन्जॉय करो नेचर को। वेदर की अगर मैं बात करूँ ना, भले धूप निकली हुई है, थोड़ा सा गर्मी गर्मी थी, बट यहाँ पे ना हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है, थोड़ा बहुत शोर ज़रूर है पानी का, और कुछ नहीं है। बाकी चलते हैं नीचे, चल के थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे, इन्जॉय करेंगे, इन्जॉय। मजा आ गया, मजा एक नंबर। एक बार जिंदगी के अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस चाहिए होंगे ने यार, मतलब हर बंदे नु करने चाहिए ने। जो मैं थैंक यू करता बाबा जी का कि बाबा जी ने मैनु जिंदगी दिखती है और मैं नु बहुत खुल के इंजॉय कर रहा कर रहा कर रहा। थैंक यू बाबा जी। तो यहाँ आके ना लाइक अमेजिंग वाला मजा आ गया, अमेजिंग वाला। अब एक और चीज है कि ट्रैक करके ऊपर वापस चढ़ना है, देख रहे हो, ओ माय साहब, अब ये ट्रैक करके दोबारा से ऊपर वापस जाना है। ओ पाजी की हाल चाल। बढ़िया जी बढ़िया। तो यार तुम कहाँ चले गए थे सारे के सारे? आपका वेट कर रहे थे ऊपर। हमारा वेट कर रहे थे। सेक रहे यार, यहाँ देखो। हुए पड़े। तो यार एक बार ही ना यार आप सारे अपने अपने चैनल का नाम बता दो यार। The Wild Kid 07 और भाई हमारे सामने वो तो डायनेस्टी है भाई, चैनल का नाम देहरादून से रिलेटेड सारी राइड्स। अभी पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये दूसरा पार्ट डालूंगा एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड का। और भाई से मिलने हम आने वाले हैं दिल्ली, बहुत जल्द, बहुत जल्दी आने वाले हैं हम दिल्ली। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आते ही साथ सबसे पहला फोन इंस्टाग्राम पे मैसेज सबसे पहले, बाकी ब्लॉग तो डलेगा ही, उसमें हम लोग फीचर हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कई सीन काट दिए जाए। हम इस व्लॉग को यहाँ एंड नहीं करने वाले, नहीं पता क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि अभी एक जगह और जा रहे हैं, बट इसके अंदर यादें जुड़ी है बहुत सारी वाली, कि ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। पता नहीं दोबारा कब आऊँ इस राइड पे, इस तरफ कभी आऊँ भी ना आऊँ, तो चलते हैं। बाकी आप रोड देख रहे हो क्या खतरनाक रोड है, बाइक ना पीछे से ना पहचान पूरी घूम जाती है, ये देखो, मतलब ढंग से बाइक चल नहीं सकती। ओहो अरे भाई साहब, अरे 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 अरे
हाजी बस जरा सही है, जरा सही है। रुको रुको रुको, एक वीडियो बना, वीडियो वीडियो बना दे। हाँ ओके, ट्राई करते हैं। पूरा गड्ढा हो गया भाई, एक मिनट बाइक गिर रही है भाई, बाइक गिर रही है। अरे एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, फंस गई है, सिर्फ ये चढ़ाई रही यार। ओ गिर पे गाड़ी, हाँ गिर पे, पहले गिर पे। ले गया लड़का, बड़ी मुश्किल से चढ़ी है यार, हाँ चढ़ गई, कोई नहीं। वहाँ फंस गया था और उस भाई ने निकाला, और मजा बहुत आया भाई, है ना, मजा मजा है भाई साहब, एक नंबर आया, एक नंबर। वाटर क्रॉसिंग में कैसा मजा आया पाजी? यार ऑफ रोडिंग के अंदर भी बहुत मजा आया, नीचे जाके वहाँ पर भी बहुत मजा आया, वाटर क्रॉसिंग के अंदर भी मजा आया, मतलब आज की वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर हो गई है। अभी यार देहरादून तो पूछो मत, देहरादून बहुत खतरनाक है, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है, मजा आ गया। मतलब ना मेरे पूरे साल कहता ना, ये मेरा 2020 जो खराब जा रहा था ना, ये बहुत अच्छा उसके बाद अब 2020 ना, मतलब मैं यादें रहेगी मेरी कि 2020 के अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना कि जो मेरे ख्याल से जिंदगी में दोबारा कभी हो ही नहीं सकती है। वाटर क्रॉसिंग भी कर रहे, पूरा लद्दाख घुमा भी दिया है, सब कुछ कर दिया बाजी ने, पर अभी जाने में भी और मजा आने वाला है। सही बात है, अभी हम वीडियो को एंड नहीं कर रहे, वीडियो भले आज जितनी मर्जी लंबी हो जाए, सारी चीजें डलेंगी वीडियो के अंदर, जाने में मजा आएगा भाई। अभी और भाइयों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसका भी चैनल है, नाम बताइयो, क्या नाम है? सागर मिश्रा। सागर मिश्रा जी, मेरा तो मोटो डायनेस्टी हम पहले कवर कर चुके हैं, मेरे को तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, निखिल पासवान। आई नी तो यार एक बार ये जगह देखो, मैं अभी यहीं से निकल कर गया था और अपनी बाइक यहीं फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से गई है ऊपर, बट चली गई। चलो यार मजा आ गया, और ऊपर जाके ना शॉर्ट्स भी बढ़िया वाले आ गए हैं। हाँ चलो चलो चलो, आराम आराम से लेके जानी पड़ेगी, ये तो तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है भाई, तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है। और एक चीज़ की ना कमी महसूस हो रही है, बट वो मैं ना बाद में बताऊँगा घर पहुँच के, अभी नहीं बता रहा, किसी और ब्लॉग में समझाऊँगा। तो ये जगह ना मेरे को बहुत ही पसंद आई है, दिल नहीं कर रहा इस जगह के साथ ना, अब पूरी ज़िंदगी की ना यादें जुड़ के रह गई हैं। हमने यहाँ पर बहुत इन्जॉय करा यार, बहुत इन्जॉय करा, आई होप कि यार आपने भी करा होगा। कितनी प्यारी जगह है यार, कितनी प्यारी जगह है। वैसे तो ऐसी जगहें
पहाड़ी इलाकों में आपको हर जगह पर मिली जाएंगी, डिपेंड करता है एक्सप्लोर करने के लिए, बट इस जगह पे यार हर चीज़ मिल गई हमारे को। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना इस वाले व्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ और दूसरा व्लॉग इसके आगे थोड़ा सा जाके ना शुरू कर दूंगा दिल्ली वापस जाने का, क्योंकि आज हमने दिल्ली वापस जाना है, बट मैं सारी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, सो इस करके ना मैं व्लॉग को लंबा नहीं करता। ऑलरेडी मेरे को पता बहुत लंबा हो चुका है, वो भी ऐड करूँगा ना घर तक पहुँचने का तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। एंड यार आई होप कि आपको मेरी आज वाली मेहनत, आज वाली ये सारी चीज़ें कवरिंग करना, आपको घुमाना, खुद भी घूमना, इन्जॉय करना और करवाना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो गिव्स अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू शुड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो, है ना जी। तो ठीक है जी, चंगा फिर अगली बारी मतलब मिलते हैं आपसे जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और इसी ऑफ रोड से स्टार्ट करेंगे, सो ध्यान रखना कि आपने नेक्स्ट व्लॉग भी फटाफट से देख लेना है, ठीक है जी। ओके बाय बाय, थैंक यू आप सबका दिल से, बाय बाय।